कोई भी आंदोलन दो ही स्थितियों में चलता है, देश के हजारों किसान संगठन, अर्थशास्त्री और समाज के विभिन्न वर्ग इन कृषि सुधार बिलों का स्वागत कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं। कोई भी आंदोलन दो ही स्थितियों में चलता है, जब आंदोलनकारी की डिमांड पर सरकार चर्चा करने को तैयार ना हो। सरकार खुले मन से 11 दौर की चर्चा कर चुकी है, आज भी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। किसानों को हमने कहा था कि आपका क्या प्रस्ताव है, हमारे प्रस्ताव को निरस्त करने के बाद आप वो प्रस्ताव लेकर आइए और हम उस प्रस्ताव पर भी चर्चा करेंगे। आम तौर पर जब चर्चा चल रही होती है तो आंदोलन नहीं होता, आंदोलन ऐसे समय पे स्थगित किया जाता है और फिर कमेटी चर्चा करे, चर्चा में के बाद वो रास्ता न निकले जो रास्ता यूनियन चाहती हैं, उसके बाद आंदोलन का ऐलान हो सकता है। मैंने अनेक बार मीडिया के माध्यम से भी यूनियन के नेताओं को खुद चर्चा के दौरान भी ये आग्रह किया था कि इस आंदोलन में जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं और बच्चे हैं उनको घर जाने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि कोविड का संकट भी है, मौसम की भी प्रतिकूलता उस समय थी और आज फिर कोविड का दूसरा दौर चालू हो गया है। पूरा देश इसके कारण चिंतित है और मैं समझता हूँ कोविड प्रोटोकॉल का पालन पूरा देश भी कर रहा है, पूरी दुनिया भी कर रही है। इसलिए इस प्रोटोकॉल का पालन किसान यूनियन को, किसानों को भी करना चाहिए और उनकी ज़िंदगी हम सबके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, कोविड के संकट को दृष्टिगत रखते हुए आंदोलन को स्थगित करें और सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। जब भी आएंगे हम चर्चा उनसे करेंगे।